subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. छत्तीसगढ़ कोरिया जिला में माइक्रो फाइनेंस का मकरजाल इस कदर फैला हुआ है कि छोटे मोटे गरीब परिवार लोन जहां एक लालच में तो ले लेते हैं किंतु उनके किस्त के भार में इस कदर दब जाते हैं कि किसी के मौत व किसी की जिंदगी के साथ सरोकार नहीं रहता है। बात कर रहे हैं हम चिरिमिरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला छोटा बाजार में, जहाँ एक परिवार है जो की स्पंदना नामक फाइनेंस कंपनी से लोन ले लिया है। वह साथ ही साथ लोन न पटा पाने के कारण से आज उसकी माली हालत बहुत बदतर हो चली है। जहां एक तरफ लोन पटाने की चिंता, वहीं दूसरी तरफ पति के इलाज की परवाह को लेकर वह महिला इस प्रकार मकर जाल में उलझी हुई है कि वहीं उस फाइनेंस कंपनी के लोग आकर उसके घर से चावल, कुकर, सिगरी व अन्य बर्तन के सामान तक को बेच दिए गए है। वह साथ ही साथ रिकवरी के लिए लोग उसको परेशान कर रहे हैं। देखे पूरी खबर तेलका इंडिया न्यूज पर अंकित मिश्रा के साथ। मेरा नाम हरीश कुमार राजवाड़े है। मैं स्पंदना इक्विटी फाइनेंशियल लिमिटेड चिरमिरी का ब्रांच मैनेजर हूँ। अभी एक मामला सामने आया है छोटा बाजार का, जहाँ पे एक महिला लोन ली थी और उसके पति की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तो रिकवरी जो करने गए थे वहाँ पे लोन का, वो रिकवरी करने से पहले पैसा नहीं दे पाए, जिसके यहाँ का राशन, सिकड़ी, कुकर और अन्य बर्तन को बेचा गया है। इस बारे में पूरा विस्तृत में जानकारी दी। सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि हमारे कंपनी का ये रूल नहीं है कि हम लोग किसी के घर में जाके या फिर मेरा स्टाफ जाके कोई भी सामान किसी के घर से उठा के बेचे या फिर बेचवाए या फिर कुछ भी करे, है ना। कंपनी पैसा देती है, समूह का जिम्मेदारी और जवाबदारी भी देती है। उसमें क्या रहता है कि हमारे कंपनी में लोन देते हैं तो महिला लोग को ग्रुप में अगर किसी का भी दिक्कत परेशानी होता है तो उसका पैसा खुद से मिला जुला के उसका पे करें। हमारा कोई कंपनी का नियम नहीं है कि कोई स्टाफ जाके किसी घर में जाके किसी का सामान बेचे या किसी का कुछ भी करे, है ना। वो ग्रुप वाले के ऊपर रहता है, तो ग्रुप का जिम्मेदारी जवाबदारी में मिलता है। जब समूह वाले के ऊपर रहता है कि अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो समूह वाले उसका पैसा मिला के पे करना रहता है। ये नियम रहता है वहाँ की महिलाओं का। लेकिन यही कहना है कि सर का प्रेशर था कि चाहे जहाँ से बेच के तो पैसा दो। नहीं, बेच के तो ऐसा कोई नहीं बोलेगा। हाँ, तो ये आपके हस्बैंड का जो हालत ख़राब है, इसका इलाज कहाँ से कर रहे हैं? तो आपने लोन जो लिया था उसके बारे में थोड़ा बताइए। उसके बारे में अब पटा तो रही थी, पैसे पड़ गए, सीरियस बीमार पड़ गए, तो उसी में अब लग गए कि कहाँ से पटा पाऊँ, मैं काम करने जाऊँ कि इनका। फिर जो आए थे सर लोग क्या बोले?